हेलो दोस्तों, टेक द नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे किसी भी फोटो के चारों तरफ आउटलाइन कैसे लगाएं। आप लोगों ने देखा होगा कि थंबनेल में जो फोटो लगा रहता है उसके चारों तरफ जो लेयर लगा रहता है आउटलाइन का, कुछ इसी तरह से आज हम लोग फोटो में आउटलाइन बनाना सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को दो ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सल आर्ट और यहाँ पे पिक्सल लैब। अगर आप चाहें तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को पिक्स आर्ट को यहां से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है कुछ इस तरह से हम लोगों का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ये प्लस वाले ऑप्शन में हम लोग को चले जाना है और यहाँ से उस वाले फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें भी आप आउटलाइन लगाना चाहते हैं। मैं ये वाले फ़ोटो को पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद नीचे में जो बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे पहले ड्रैग करेंगे और कट आउट के ऑप्शन में चले जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे पर्सन का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें चले जाएंगे और इसमें जाने के बाद जो है यहाँ पर सर्चिंग हम लोगों का फ़ोटो हो रहा है। सर्चिंग अब हो रहा है, एक दो सेकंड लगेगा दोस्तों, उसके बाद सर्चिंग हो जाए। सर्चिंग हो गया है, यहाँ सेव का ऑप्शन देख रहे हैं, सेव में चले जाएंगे। यहाँ सेव होने के बाद हमारा फोटो जो है PNG में कन्वर्ट हो गया है। आप चाहें तो मेरे दूसरे वीडियो में जाके देख सकते हैं PNG में किस तरह से कन्वर्ट फोटो करते हैं, वैसे इसमें भी मैंने करके बता रखा है। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन में और इस तरह से होने के बाद जो है यहाँ सेव का जो ऑप्शन दे रहा है सेव में चले जाएंगे। उसके बाद जो नीचे में भी सेव का ऑप्शन दे रहा है इस वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। आप जिस भी फाइल में सेव करना चाहते कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गैलरी में सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने कर लिया है, मेरा फोटो जो है यहाँ पर सेव हो गया है। देन उसके बाद जो है हम लोगों को अब पिक्सल लैब में जाना है दोस्तों। यहाँ पे इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर न्यू टेक्स्ट का जो ऑप्शन देख रहे हैं पहले इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो हम लोग जो यहाँ 3 डॉट है इसमें चले जाएंगे दोस्तों। इसके बाद इमेज साइज देख रहे हैं यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में चले जाएंगे और कस्टम में जाकर यहाँ पर हम लोगों को थंबनेल को सिलेक्ट करना है। यूट्यूब थंबनेल मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ साइज सेलेक्ट करने के बाद जो ओके को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ जो देख रहे हैं नीचे में जो ऑप्शन वाला दे रहा है इस वाले ऑप्शन में हम लोग चले जाएंगे और यहाँ पे इस बैनर को थोड़ा सा हम लोग कोई कलर दे देते हैं। इस वाले कलर में जाके कोई भी आप कलर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे सपोज ये वाला रेड वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इस तरह से इसको टैप कर लेते हैं। टैप करने के बाद जो है उसके बाद जिस भी फोटो को आप वहाँ PNG में कन्वर्ट किए हैं ये उसके लिए यहाँ पर उसके प्लस में जाना होगा और फ्रॉम गैलरी से वो वाले फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना होगा। मैं ये वाले फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टैप करके इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके थोड़ा सा इसको हम लोग इस तरह से यहाँ फ़ोटो को ले आते हैं और लाने के बाद जो है इस तरह से अब इसमें हम लोग को आउटलाइन लगाने के लिए हम लोगों को ये वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं इस वाले ऑप्शन में चले जाना है बीच वाले में और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर हम लोगों को स्ट्रोक में जाना है। इस वाले ऑप्शन में स्ट्रोक में जाने के बाद इसको एनेबल हम लोग कर लेंगे और यहाँ पर कोई भी जिस भी कलर का आउटलाइन लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा वाइट लगा हुआ है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं इस तरह से। देखिए दोस्तों इस तरह से बढ़ा घटा सकते हैं, इस तरह से कोई भी कलर को आप सिलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह से कोई भी कलर को आप सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। सो इस तरह से आप अपने फ़ोटो में आउटलाइन लगा सकते हैं और साथ ही साथ थंबनेल भी इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। मैंने दूसरे वीडियो में थंबनेल बनाया HD क्वालिटी में, इस तरह से बनाते हैं वो आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।